उज्जैन नगर निगम द्वारा पार्कों का विकास किया जा रहा है। उज्जैन में पार्कों का विकास अब थीम आधारित किया जा रहा है, जिसके तहत ऋषि नगर में यातायात पार्क का उद्घाटन किया गया। इस दौरान शहर में यातायात को सुधार रूप से चलाने वाले पुलिसकर्मी का सम्मान किया गया। उज्जैन के ऋषि नगर वार्ड क्रमांक 50 में शहर के पहले यातायात थीम पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मीना जोनवाल और पार्षद विकास मालवीय ने किया। इस पार्क के माध्यम से पार्क में आने वाले बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। यातायात पार्क 75 लाख की लागत से बनाया गया। इस पार्क में यातायात के सभी साइन बोर्ड, सिग्नल लाइट्स लगाई गई हैं। शहर के व्यस्ततम चामुंडा माता चौराहे पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक आरक्षक अशोक गोड़ के अच्छे काम को देखते हुए मंत्री द्वारा साफा बांधकर उनका सम्मान किया गया। उनको पार्क में आने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भी नियुक्त किया गया। पालिका निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 50 में पार्षद विकास मालवीय द्वारा नगर निगम के सहयोग से लगभग 1 करोड़ की विभिन्न विकास कार्य के साथ साथ एक हमारे सबके लिए जो जागृति का काम चालू किया है यातायात पार्क के माध्यम से, क्योंकि ये इसके कारण से हमको मालूम है हमारे देश में आमतौर पर बड़े पैमाने पर दुर्घटनाओं में लोग हाथ पैर टूटते जान से भी जाते हैं। जितने कोरोना से नहीं मरते उतने 1 महीने में लोग मर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उज्जैन में ये जो अच्छा काम चालू किया, खास करके यातायात के सिग्नल के माध्यम से उनको सारी जानकारी देना, जागृति फैलाना, और हमारे लिए ये सेल्फ सुरक्षा का भी काम है, और खास करके अब ये स्मार्ट सिटी में उज्जैन है तो ये नगर निगम के माध्यम से इन सबको जागृति फैलाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया है। और जो स्थान है विशाला पार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है ये, तो ऐसे इस पार्क में ये जो नई सुविधा मिली है सारे लोग इसका लाभ लेंगे, बच्चे भी उठाएंगे लाभ, और अब आने वाले समय में तो व्हीकल बढ़ रहे हैं, ऐसे में इसका बहुत उपयोग रहेगा मेरी अपनी ओर से। उज्जैन शहर में चारों तरफ विकास हो, उस विकास को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। उद्यानों की जब बात की गई तो थीम आधारित उद्यान, मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम शहर में ऐसे थीम आधारित उद्यानों के ओर आगे बढ़ेंगे, तो विचार किया तो यातायात पार्क के बारे में विचार आया कि यातायात की दृष्टि से भी बच्चे खेल खेल में यहाँ पर आए और यातायात के नियमों को सीखें और किस तरह से हमें दुर्घटना होने से बचना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यातायात पार्क की कल्पना की गई। पार्षद विकास मालवीय जी ने कहा कि दीदी ये जो पार्क है ये आप आपकी स्वयं की निधि से बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगामी समय में काम को तीव्र गति से करना है। तो महापौर अनुशंसा मत से 50 लाख रुपए की राशि वार्ड क्रमांक 50 में यातायात पार्क के लिए स्वीकृत की गई और शेष 25 लाख का काम जो है निगम निधि से किया है, और बच्चे ही नहीं बुजुर्ग भी बड़े भी सभी वर्ग के लोगों के लिए ये सौगात है कि वो पार्क में आए, स्वास्थ्य का लाभ भी लें और साथ में यातायात के नियमों का भी ज्ञान लें ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई चालानी कार्रवाई ना हो। आज मेरे वार्ड में विशाला क्षेत्र में यातायात पार्क का लोकार्पण किया गया। पिछले 1.5 सालों से काम चल रहा था और ये यातायात जो थीम आई है, दीदी ने बहुत प्रयासों से दीदी ने यानी बहुत सारी चीज़ें एक एक चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकाल के ने इसमें ऐसी चीज़ें कि दुर्घटना नहीं हो, और इसको लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें थीम लिए।